तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, जो चीज मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। नमस्कार, मैं हूं यास्मी। एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा होते ही हंगामा मच गया था। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अनुराग कश्यप की जमकर लताड़ लगाई थी। इंडस्ट्री में हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच बॉलीवुड सितारों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की आड़ में पूरे बॉलीवुड पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। सोशल मीडिया पर पायल घोष के बारे में बात करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि जहां तक मैं जानती हूं, अनुराग ने खुद स्वीकार किया है कि वो एक समय में एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे। यहां तक कि जब वो कुछ लोगों के साथ दाम्पत्य जीवन में थे तब भी नहीं। जो अनुराग ने पायल के साथ किया वो बॉलीवुड में आम बात है। बाहर से आकर स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को सेक्स वर्कर्स की तरह ट्रीट करना उनके लिए नेचुरल है। कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा, मीटू की मुहिम बॉलीवुड में फेल हो चुकी है क्योंकि ज्यादातर रेपिस्ट और लड़कियों को तंग करने वाले लिबरल लोग हैं। इन लोगों ने इस मुद्दे को दबा दिया। पायल घोष के मुद्दे पर सबकी बोलती बंद हो गई है। बॉलीवुड का ये हाल देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कंगना रनौत यही नहीं रुकी, एक के बाद एक ट्वीट के जरिए कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप और बॉलीवुड पर निशाना साधा। अपने एक अगले ट्वीट में कंगना लिखती है कि पायल घोष ने जो कहा है वो सही है, मेरे साथ भी बॉलीवुड के बड़े हीरोज ने ऐसी हरकतें की हैं। पार्टी में ऐसी हरकतें होना आम बात है, डांस फ्लोर पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये लोग काम के लिए आपको अपॉइंटमेंट देते हैं और घर बुलाकर जबरदस्ती करते हैं। तो देखा आपने, पायल घोष के आरोपों के बाद कंगना ने भी अनुराग कश्यप के साथ साथ बॉलीवुड पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। साथ ही कंगना ने यह भी खुलासा किया है कि उनके साथ भी इस तरह की हरकतें की गई हैं। बता दें कि पायल घोष, जिन्होंने 2017 में फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से बॉलीवुड में शुरुआत की, उन्होंने बीते शनिवार को आरोप लगाया था कि अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया था। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई थी। हालांकि अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि मुझे चुप कराने के लिए ये सब किया गया है। उनके ऑफिस में जाके मिली मेरे मैनेजर के साथ, फिर उसके बाद मैं उनके घर पे जाके मिली और सेकेंड टाइम, फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली, ही वॉज वेरी नाइस टू मी, मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीज़ें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैंने आज, मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद ही वो बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया, आगे जो होगा देख लेंगे।